एक ओर जहां दिल्ली सरकार दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। राजधानी दिल्ली की सड़कें, जहां ये समझ नहीं आता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के कंझावला रोड की भी बनी हुई है, जहाँ सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण सड़क की हालत पूरी तरह से जर्जर बनी हुई है। सड़क की इस बदहाल स्थिति के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में स्थानीय निवासियों का कहना है कि करीब 2 से 3 साल का समय बीत चुका है और कंझावला रोड की हालत ऐसी ही बनी हुई है। बरसात के समय यहां पानी भर जाता है, जिससे गड्ढे नहीं दिखाई देते, जिससे आए दिन लोगों को दुर्घटना का डर सताता रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर स्थानीय विधायक और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन प्रशासन इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। ये रोड इतनी बुरी कंडीशन में है आज की डेट में, लगभग 4-5 साल इसको हो चुके हैं। ये सीवर के गड्ढे खुदे थे यहाँ पे, जब से इस रोड की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। बैटरी रिक्शा वाले, टेम्पो वाले यहाँ पे पलटते रहते हैं, और जो स्थानीय निगम पार्षद हैं, स्थानीय MLA हैं या स्थानीय सांसद है, सबके पास इसकी कंप्लेंट जा चुकी है कि इस रोड को जल्द से जल्द आम पब्लिक के लिए ठीक हो, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे हादसा होता रहता है। साथ में ही श्री बालाजी मंदिर है, यहाँ पे भक्त आते हैं तो उनको भी आने में असुविधा होती है, दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। और साथ में सिग्नस हॉस्पिटल है, सिग्नस MLS हॉस्पिटल के अंदर भी आने में जो है पेशेंट, जो इमरजेंसी पेशेंट है, उनको आने में बहुत समस्या होती है। जी, कोविड के बाद से काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे, पूरा एक नाला सा बन गया है। जैसे बारिश में, अभी थोड़ी सी बारिश हुई, जल भराव हो जाएगा, लोगों को निकलने में काफ़ी समस्या होती है, पैदल निकलने में पता ही नहीं चलता कहाँ नाला है कहाँ रोड है। ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, रोड का काम चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। ये रोड कहाँ कनेक्ट करता है? ये रोड पूरा रिंग रोड से कनेक्ट, आउटर रिंग रोड से कनेक्टेड है। कहाँ की हो जाता? ये कुतुबगढ़ से पूरा आउटर रिंग रोड है, बवाना के थ्रू। दूसरी ओर सड़क से गुजर रहे राहगीरों का दर्द भी साफ देखने को मिला। राहगीरों ने बताया कि रोड की हालत इस समय बदतर होने के कारण उन्हें दुर्घटना का डर सताता है और कई बार तो वो एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये सड़क कंझावला स्थित DM ऑफिस को भी जोड़ती है, ऐसे में यहाँ से रोजाना DM और SDM की गाड़ियाँ भी गुजरती होंगी। बावजूद इसके प्रशासन अपनी आँखें मूंद कर बैठा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में दिल्ली सरकार और स्थानीय विधायक के प्रति भी नाराजगी देखने को मिल रही है। रोड को कम से कम 5 साल हो गए हैं, 5 साल पहले थोड़ा कम टूटा हुआ था, लेकिन जैसे 3 साल पहले से तो इसकी हालत इतनी ख़राब है कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है। गाड़ियाँ, कार तो आधी डूब जाती हैं, बंद हो जाती है रास्ते के अंदर। हमने कई जगह शिकायत कर ली, केजरीवाल जी के पास भी कर ली, यहाँ के विधायक के पास भी कर ली। अब ये बताओ, हम आम नागरिक हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हम तो उसी के पास जा सकते हैं जो यहाँ का कॉलोनाइजर है, जो यहाँ का सांसद है, जो यहाँ का MLA है, लेकिन यहाँ पे कोई करके राजी नहीं है, कोई हमारी सुनवाई राजी नहीं है। यहाँ पे रिक्शे पलट जाते हैं, ई रिक्शा पलट जाते हैं, बैटरी रिक्शा जो है वो चलने ही बंद हो गए हैं, कारें बंद हो जाती हैं, स्कूल के बच्चे हैं, मरीज को कम से कम भी 1 किलोमीटर पहले उतारना पड़ता है और हमें घुमा के लाना पड़ता है। मतलब कि अगर उसको सीरियस है तो ये समझ लो रास्ते में उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। 2 से 2.5 साल हो गए जी, और रोड बिल्कुल यहाँ पर ऐसा है कंडम, करीब 5 साल से तो यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं, और 2-2.5 साल से तो ऐसा है जी, अगर आप गाड़ी 2 बार लेके निकल जाओ तो आपको गाड़ी बिल्कुल ठीक करानी पड़ेगी। यहाँ पर गड्ढों में रोज़ गाड़ियाँ फंसती हैं, रोज़ टूटती हैं। इतना पवित्र मंदिर है बालाजी महाराज का, जनता आती है, हॉस्पिटल बगल में है, बिल्कुल यहाँ कोई काम नहीं होता जी, और किसी भी प्रशासन का कोई भी यहाँ पर मतलब कोई काम नहीं है। बारिश के समय यहाँ पर गाड़ियाँ गड्ढों में अटक जाती हैं, क्रेन से निकाली जाती हैं, पलट जाती हैं, बैटरी से पलट जाते हैं, अभी परसों एक ट्रक फंस गया था इस गड्ढे में। हालांकि इस संबंध में स्थानीय विधायक धर्मपाल लाकड़ा का कहना है कि जनता को जो परेशानी हो रही है वो बस कुछ समय की है। उन्होंने बताया कि सड़क पर सीवर का कार्य चल रहा है, जिस कारण सड़कों पर गड्ढे और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। विधायक धर्मपाल लाकड़ा ने बताया कि करीब 2 से 3 महीने में लोगों की समस्याएं समाप्त हो जाएगी और इस सड़क को एक बार फिर से बेहतर कर दिया जाएगा। कराला कंझावला रोड अभी बिल्कुल हमारी सरकार ने नया बनवाया है, और लास्ट का 1.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो 1.5 किलोमीटर का हिस्सा जहाँ जल बोर्ड के बहुत गहरे मेन होल बनने लग रहे हैं, वो सारे गड्ढे उसके कारण है, क्योंकि वो मेन होल इतने गहरे हैं, 25-30 फीट गहरे हैं,
तो इतनी गहराई में जाने के लिए सारे रोड तोड़ने पड़े हैं और वाटर लेवल बहुत ऊपर है वहाँ उस क्षेत्र में, तो वाटर लेवल डाउन करने के लिए वहाँ रात दिन पंप चल रहे हैं और वो पानी जल भराव ज़्यादा होता है, उसके कारण जो है रोड सारा खंडित है। आज भी मेरे पास पीडब्ल्यूडी के अधिकारी चीफ तक आए थे, मैंने आज भी उनको कहा, शिकायत की है, तो उन्होंने वादा किया मेरे से कि भी हमने कल भी उसमें मलबा डलवा करके उसका लेवल कराया था और अब उसको समय समय पर हम कराते रहेंगे जब तक वो जल बोर्ड का काम चालू रहेगा। करीब मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने जो सीवर के मेन होल जो बहुत गहरे बनने लग रहे हैं उसमें 2 से 3 महीने लगेंगे। उसके बाद हमारा टेंडर हुआ है, सब कुछ तैयारियां हैं कंप्लीट, उसमें सारी समस्या दूर कर दी जाएगी जैसे ही मतलब सीवर के मेन होल का काम पूरा होगा, बाकी काम वो फटाफट करा दिया जाए। बहरहाल दिल्ली की बदहाल स्थिति दिल्ली सरकार के उन तमाम दावों को खोखला साबित करते दिख रहे हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि सरकार इस ओर कब तक ध्यान देती है और यातायात जैसी समस्याओं से लोगों को कैसे और कब तक निजात दिलवाती है जिससे राहगीरों को सड़क से गुजरने के दौरान किसी भी तरह से कोई हानि ना पहुँच सके और वह सकुशल अपनी यात्रा कर सके। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।